टेलीविजन अभिनेता करण मेहरा को उनकी पत्नी अभिनेत्री निशा रावल की घरेलू लड़ाई की शिकायत के बाद उनकी गिरफ्तारी के बाद मंगलवार सुबह जमानत दे दी गई थी। निशा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करण पर मारपीट का इल्जाम लगाते हुए कहा, कभी हाथ उठाया आपने? हाँ, उन्होंने मेरे पर हाथ उठाया है, ये बहुत ही आम बात है, बट इज एन एक्टर, ही स्मार्ट, ही अंडरस्टैंड्स कैमरास। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे फेस में ब्लैक एंड ब्लू हुआ, कई बार वो कभी मुझे पंच कर देंगे, कभी बैक से। यू कांट शो प्रूफ, नीदर डू यू क्लिक पिक्चर्स। ये पहले बार। जो पहले की हैं ये इमेजेस, और मैंने लाइक आई सेड, मैंने हर बार नहीं लिए हैं ये इमेजेस, हर बार ऑब्वियसली आप नहीं करते हो, राइट? आपको क्या पता कि आज से कितने साल बाद ये ऐसा कोई मैटर होने वाला है? बट व्हाई यू वर टॉलरेटिंग ऑल दिस सो? बिकॉज़ आई लव हिम, बिकॉज़ आई स्टिल लव हिम, बिकॉज़ आई स्टिल डू, एंड आई वाज स्टूपिड। Because I still do, right? It came as a slap on my face because he was having an affair. I was not ready to like split up with him or anything. Sir, अब बात सेंटर में आ गई क्योंकि वो कैमरा या फिर मैडम को देखो। This is last night. यहाँ पर देखो। इधर इधर। सब इधर इधर। निशा थोड़ा। थोड़ा इधर इधर। सब पे दे दे। दिखा रहे, दिखा रहे। आपको बोलना भी चाहिए। अरे मैडम हाथ रखना। नीचे रखना। अरे उधर नीचे देखो ना। निशा निशा। You know what, guys? This is not easy for me, okay? पहली बार सुनाया कि जो तुमने क्या, तुम बहुत ही गंदे आदमी हो, तुम इतने गंदे हो। I said everything that I should have, जो वो unnatural नहीं है, किसी को भी गुस्सा आएगा तो बोलेगा, but मैंने bottle up करके रखा था वो इतने दिनों से। So Karan got upset, he stood up and he left. मुझे लगा वो कमरे के बाहर चला गया। जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी, he held my hair and he pushed me on the wall. शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या you know, I don't know कि इतना कुछ हो जाएगा। उसको लगा होगा ये शायद हो जाएगा, यू नो, हाउएवर, एंड देन व्हेन द ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग आई रियलाइज्ड कि क्या हुआ है। तब तक ही हैड ऑलरेडी टेकन माय गला एंड पिंड मी ऑन द वॉल। सो आई सेड व्हाई डू यू हेट मी सो मच। जब मैंने ये किया तब, और सब लोग घर पे थे, मेरी मॉम घर पे थी, विक्की घर पे थे, हमारी सर्वेंट घर पे थी, और क्योंकि ये रात का हुआ तो काफ़ी सो रहा था, थैंक गॉड, बिकॉज दैट इज समथिंग आई वुड हैव नेवर फॉरगिवन इफ ही हैड सीन ब्लड और समथिंग।